हेलो एवरीवन, आज आपको पढ़ाएंगे हिंदी लिटरेचर में लेसन नंबर 21, फिर क्या होगा उसके बाद। फिर क्या होगा उसके बाद, जिसकी इस कविता के कवि हैं प्रसिद्ध कवि बाल कृष्ण राव। यहाँ पर जो बाल मन है, इसमें अनेकों प्रश्न आते और जाते रहते हैं। एक जो उत्सुकता है, जो कौतूहल है, उसे कवि ने अपने शब्दों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि कवि कहता है कि फिर क्या होगा उसके बाद। इस कविता द्वारा जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। मनुष्य के समक्ष शाश्वत प्रश्न है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। ये प्रश्न सभी के मन में आता होगा कि आखिर मृत्यु के पश्चात क्या होता है। अब यही बाल सुलभ जिज्ञासा द्वारा कवि ने यह शाश्वत प्रश्न उठाकर कविता को सहज और सरल बना दिया है। एक छोटा बालक है जो इस कविता में दिखाया गया है, तो अपनी माँ से प्रश्न करता है कि फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ फिर क्या होगा उसके बाद। ऐसी कौतूहल भरे प्रश्न बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ क्या होगा उसके बाद। किसके बाद? मृत्यु के बाद। क्या होता है? मनुष्य कहाँ चला जाता है और फिर उसका क्या होता है? रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर। रवि कैसा है? सूर्य कैसा है? उज्जवल है, चमकदार है, स्वच्छ है। और शशि कैसा है? शशि माने चंद्र। चंद्र कैसा है? अत्यंत सुंदर है, जिसकी सुंदरता अनुकरणीय है। नव किसले दल से कोमलतर। नव किसले, नव माने नए, किसले माने जो चिकने हैं, कोमल हैं। दल से कोमलतर, उनसे भी अधिक कोई कोमल। कोमलतर एक विशेषण बात बोली गई है कि कोमलतर, कोमल कोमल कोमलतर। फिर क्या कहा कि बधू तुम्हारी घर आएगी, ऐसी बधू। बधू मतलब बहू, पुत्र बधू। वो तुम्हारे घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद, जब मेरा विवाह हो जाएगा, उस विवाह उत्सव के बाद एक कोमल सी बहू घर आएगी। पल भर मुख पर स्मृति की रेखा, पल भर में मुख पर वो मुस्कुराहट की रेखा सी फैल गई, खेल गई। फिर माँ ने देखा, फिर माँ ने देखा कि कर गंभीर मुखाकृति शिशु ने, वो मुस्कुरा भी नहीं रहा है, वो तो गंभीर हो गया। उसकी जो मुख की आकृति थी बिल्कुल गंभीर हो गई। शिशु ने फिर पूछा, माँ फिर उसके बाद, जब वधू आ जाएगी तो उसके बाद फिर क्या होगा? फिर नव के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर। माँ ने कितनी सुंदर बात कही कि फिर आकाश से जो तारे हैं, मन को हर लेने वाले जो बहुत सुंदर हैं, वो स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को घर आएंगे उसके बाद। उसके बाद वो सारे जो तारे आकाश में दिखाई दे रहे हैं ना, वो उतर कर आएंगे और तेरे शिशु बन जाएंगे। जैसे तू मेरा शिशु है, ऐसे ही वे तेरे शिशु बन जाएंगे। अब बालक क्या कहता है? मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। वो कहता जो मेरे नए नए खिलौने हैं, कहीं फिर वो लेकर अपने घर ना चले जाएं। चिंतित हो कह उठा, किंतु फिर पूछा शिशु ने, उसके बाद जब माँ शिशु हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? अब माँ का जी उब चुका था। जब बच्चे बहुत प्रश्न पूछ लेते हैं तो कभी कभी चिड़चिड़ाहट होने लगती है, गुस्सा आने लगता है। उसी तरह से यहाँ पर भी अब माँ का जी उब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। हर्ष माने प्रसन्नता में, शांति माने थकान में बड़ा डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। अब वो चिड़चिड़ा गई ना, तो बोली कि जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, और जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो मर जाऊंगी। अब बालक फिर कहता है, माँ उसके बाद। यह सुनकर भर आए लोचन, उसके नेत्रों में
नेत्र भर आए किंतु पहुँच कर उन्हें उसी क्षण। अब उस बच्चे को दिखाना भी नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न पर रो उठी हूँ, तो उसी क्षण उसे पहुँच लिया और सहज कुतूहल से फिर शिशु ने फिर सहज से सरलता से कौतूहल वश जिज्ञासा वश कौतूहल वश जिज्ञासा वश शिशु ने फिर से पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद जब तुम मरकर चली जाओगी, तो माँ फिर क्या होगा उसके बाद। अब क्या हुआ, कवि ने बालक को सिखलाया, कवि ने बालक को सिखलाया, जो कवि है ना उसने बालक रूपी ये सारे प्रश्न उठाए हैं। सुख दुख है पल भर की माया, जो जीवन में सुख आते हैं हमारे जीवन में, जब कहीं प्रसन्नता आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और दुख आते हैं तो रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। तो सुख दुख है पल भर की माया, ये तो क्षण भर के लिए आते हैं। है अनंत का तत्व प्रश्न, ये तो प्रश्न अनंत है, अनंत माने जो कभी जिसका कोई अंत ही ना हो, तत्व का प्रश्न कि फिर क्या होगा उसके बाद, इसके बाद फिर क्या होगा। आपने देखा होगा कि लोग क्या कहते हैं कि मैं जब नहीं होऊंगा तब देखना क्या होगा, तो ऐसा नहीं है, ये संसार अनवरत ऐसा ही चलता रहेगा और ये प्रश्न फिर भी यूं ही बने रहेंगे कि फिर क्या होगा उसके बाद। आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन।